हमारा खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी विद्या देवी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके पुत्र संजय यादव, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अलवर। संजय जी, सबसे पहले तो आपका डीटीवी न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू भैया। संजय जी, आप अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हो, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस एजेंडे को चुनाव लड़ रहे हैं? जो जिला पार्षद का चुनाव होता है, आज से पहले जब भी जिला परिषद के जो प्रतिनिधि बने वो एक तरह से अपने आप को जिला प्रमुख तक वोट डालने तक सीमित रखा, उसके अलावा एक निष्क्रिय रूप में मैं चाहता हूँ कम से कम जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 का प्रतिनिधित्व कम से कम जिले के रूप में आगे भी बढ़े और एक एक्टिव रूप में काम करके और जितने भी विकास कार्य हैं और समस्याएं, और मैं तो कहता हूँ पूरे जिले में हम वार्ड नंबर 6 का जिला प्रमुख के रूप में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आला कमान ने आपको पार्टी का उम्मीदवार बनाया, कुछ और भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे, उनसे आपको कुछ नुकसान होगा? जो भी लोग टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, वो सब लोग एकजुट होकर आज मेरे साथ हैं। कोई भी ऐसा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, कांग्रेस का पदाधिकारी रहा, वो कोई भी बागी के रूप में काम नहीं करा, सब मेरे साथ है। एक भी आप नाम बताइए अगर वो कांग्रेस पार्टी का है और वो बगावत कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है। आप वार्ड नंबर 6 से जीत कर जाते हो तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी पहले अपने वार्ड के लिए? सबसे पहले तो 6 नंबर के अगर जीत के जाए तो मैंने कहा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, आज तक वार्ड नंबर 6 से कभी जिला प्रमुख नहीं बना, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओबीसी की सीट है, 100% प्रयास करेंगे यहाँ से जिला प्रमुख बने और सबसे ज्यादा इस वार्ड में विकास के कार्य हों। देखो सर, वादे करके अक्सर चले जाते हैं, यहाँ से काफी पार्षद गए, कोई विकास नहीं, गौण हो जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पार्षद जो था वो मैंने कहा पहले पहले केवल वो अपने आप को एक वोट डालने तक सीमित रखा है, उसके आगे भी कोई सोच नहीं थी। मैं राजनीति में केवल पार्षद बनने तक की सोच रहे, मैं भी आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ से जिला परिषद बने, आगे हमारा प्रतिनिधित्व रहे, और आज अगर हम का वार्ड में सक्रिय रूप से आगे काम नहीं करेंगे तो आगे में जनता कैसे चुनेगी? यहाँ वार्ड नंबर 6 में जाति समीकरण का चुनाव रहता है, उस जाति समीकरण के तौर को कैसे, एक गुजर कैंडिडेट आपके सामने है। वार्ड नंबर 6 में सर्व समाज के लोग रहते हैं, पर मेरा सबसे इतना लगाव है, इतना प्यार मोहब्बत है, मैं लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा, सबसे सामाजिक रूप से काम कर रहा, मुझे 36 बिरादरियों का अपार जन समर्थन है। डीपी के न्यूज के माध्यम से आप वार्ड नंबर 6 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 6 की जनता ऐसे आदमी को चुने जो आपके साथ लग के आगे प्रतिगुना चुने, केवल वो एक दिन वोट डाल के अपने वापस घर बैठ जाए। ये थी हमारी खास मुलाकात संजय यादव जी से। संजय यादव जी का कहना है कि न जात पर न धर्म पर वोट मिलेगा, विकास पर। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं संदीप भारद्वाज, डीपी न्यूज, बहरोज।